उत्तरी हवाओं के असर से इंदौर के तापमान में अब गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले एक माह से ज्यादा समय से न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ था। शुक्रवार को इस सीजन में पहली बार शहर का न्यूनतम तापमान 15.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य था। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक शनिवार को भी न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट हो सकती है। इंदौर में अगले 2 से 3 दिन तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी और उसके बाद फिर से तापमान सामान्य से अधिक देखने को मिलेगा। वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान से भारत की ओर बढ़ रहा है, वही जेट स्ट्रीम हवाएं उत्तर भारत की ओर से प्रदेश की तरफ आ रही है। इसके असर से धीरे धीरे तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। अभी दिन में जहां हवाओं का रुख उत्तर और उत्तर पूर्वी बना हुआ है, तो वहीं कुछ समय हवाएं शांत भी रह रही है। यही वजह है कि अभी हवाओं के असर से दिन और रात के तापमान में कमी दिखाई दे रही है। रात के समय और सुबह शहरवासियों को सर्दी का एहसास हो रहा है, वहीं दिन में धूप निकलने के कारण दोपहर में ठंड से राहत है। कभी कभी तीखी धूप चुभन का एहसास भी करवा रही है। इसी तरह महू शहर और आसपास के क्षेत्र में ठंड का असर दिखने लगा है। सुबह 11 बजे तक हल्की धूप के साथ ठंडी हवाएं महसूस हो रही है, वहीं दिन में धूप तेज होने से अब भी गर्मी का एहसास बना हुआ है।